दूसरे के सहारे रहेंगे, नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियान, नहीं धूप कहा ठंडी छाया देगा हरदम, पवित्र रिश्ता पवित्र रिश्ता तेरे मेरे मन का, पवित्र रिश्ता पवित्र रिश्ता तेरे मेरे मन का। हाय, मैं आज भी अर्चना से शादी करना चाहता हूँ। ये क्या कर रहा है तू? भाई, जब तुमने अर्चना को माफ कर दिया तो ये शादी तोड़ने की सजा क्यों? अर्चना इसी घर की बहू बनेगी, इसी घर की। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तू अर्चना से शादी करने को कैसे तैयार हो गया? उसकी वजह से तूने कितना कुछ बर्दाश्त किया, तुझे बेइज्जत करने के लिए एक भी कसर नहीं छोड़ी उसने, और तू उसी के साथ कैसे? अर्चना ने मेरे और मेरे परिवार वालों की बहुत बेइज्जती की, बस यही एक वजह है जिसके लिए मैं उससे शादी कर रहा हूँ। मतलब ये कि मैं अर्चना से रिश्ता इसलिए जोड़ रहा हूँ ताकि मैं उससे मिला हर एक बेइज्जती हर एक अपमान को सूद समेत वापस कर सकूं। मैं कुछ समझा नहीं, बदला लेने का ये कोई तरीका तो नहीं है ना भाई? ये एक तरीका दोस्त, मैं अर्चना से शादी करूंगा और शादी के बाद ये रिश्ता तोड़ दूंगा, ये कहकर कि उसका मानव के साथ आज भी रिश्ता है। अर्चना ने मेरे और मेरे परिवार वाले की बहुत बेइज्जती की है, मैं चुपचाप रहा, कुछ नहीं कहा, लेकिन अब नहीं, अब उसे पता चलेगा कि मेरी बेइज्जती करने का क्या अंजाम होगा। उसने मेरी जिंदगी और मेरे करियर पर ब्रेक लगाया ना, अब देखना मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, ये मेरा वादा रहा। तुम्हें फिर से काम पर रखा गया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। तुम्हारी वजह से मेरी जो बेइज्जती हुई है उसे ना मैं भूला हूं और ना ही भूलूंगा। मैं तो कभी नहीं चाहता था कि तुम यहां आओ, लेकिन सतीश की वजह से। खैर, अब जब आ ही गए हो तो जरा संभल कर, तुम्हारी एक गलती and you will be thrown out. Understand? क्या हुआ? क्या कहा धर्मेश ने? वो कह रहे थे कि मैं असाइनमेंट के बारे में कह रहे। तुम झूठ नहीं बोल पाते हो, पकड़े जाते हो। वैसे भी धर्मेश यहाँ पर आकर तुमसे क्या कहेगा वो मैं अच्छे से जानता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। भाई भाई भाई, मुंह मीठा करो, माझा मानव सुटला जेल मधून। हाँ, लक्ष्मी है, मुंह मीठा करो। अरे सविता ताई, मिठाई किस खुशी में बांट रही हो? तुझे मालूम नहीं मेरा मानव छूट के आया, पुलिस ने उसको निर्दोष करार देके छोड़ दिया, मुंह मीठा कर। अरे वाह, अरे पूरा किधर खाती है? आधा दे आधा दे, मिठाई सेहत के लिए अच्छी नहीं होती ना, इसलिए खा खा खा। कालिंदी ले ले ले, मुंह मीठा कर ले, मेरा मानव छूट के आया। अरे उसमें से आधा इसको दे, पूरा क्या खाती है, दे ना इसको, ये मुंह मीठा कर। अरे उसमें से आधा उसको दे।
अच्छी है ना मिठाई? मतलब देखो, अच्छी मिठाई परखने में कभी गलती नहीं करती है ना ताई। ये सब तो ठीक है, लेकिन मानव और श्रावणी की शादी का भी तो सोचो। कितने साल से वो काम भी तो अटका पड़ा है। वही तो सोच में पड़ी हूँ मैं। इस वक्त देखना, ये शादी कोई नहीं रोक सकेगा, देखना। ये कौन है शिवाजी? इनके एक सेनापति थे। पुन्नी, तू अंदर जा। तो अंदर जाकर मैथ्स की पढ़ाई कर, हिस्ट्री में तुझे बाद में पढ़ा दूंगी। नहीं, मुझे आता से ही पढ़ना है। उनकी समझाई हुई बातें मुझे जल्दी समझ में आ जाती है। अरे वही तो प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या कुछ सिखा पढ़ा देगी तुझे। चल अंदर जा। वही में क्या बात है, आप इस तरह पुन्नी से? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी किसी ऐसी औरत के साथ में रहे जिसका अपना कोई चरित्र ही नहीं। वैरी, क्यों, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो मुझे? मैंने क्या कुछ गलत कहा है? अर्चु, जिस तरह से तुम माना और जैवन की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही हो ना, कोई भी समझदार इंसान उसे देखकर यही कहेगा। मैं इस मामले में कुछ कहना नहीं चाहती। पहले भी हम बहुत बार इन बातों को लेकर डिस्कस कर चुके हैं, पर मुझे ऐसा लगता है अब मैं कुछ कहूंगी तो गलतफहमियां और बढ़ जाएंगी। और एक और बात वही, मैं एक विनती जरूर करूंगी पप्पा से कि वो आपको थोड़ी सी समझ दे, जिससे कि आप मेरे और मानव के रिश्ते को समझ सके। और हाँ वहिनी, मैं जैवन से शादी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसमें मेरे परिवार का सुख है, ना कि मेरा। और मैं इस रिश्ते को भी उतनी अहमियत दूंगी जितनी मैंने मानव और मेरे रिश्ते को दी थी। ठीक है अर्जुन, हम सब भी देखते हैं कि जैवन से शादी के बाद मानव के साथ तुम्हारी रासलीला कम होती है या यूं ही चलती रहेगी जैसे कि आज चल रही है। पति पीछे आकर बैठा हुआ है, लेकिन मैडम है कि नजरें उठाकर देखने की जहमत नहीं उठा रही। किसने सही कहा है कि शादी के काज साथ बाद पत्नियों के लिए पति सिर्फ सामान बनकर रह जाता है। बस हो गया, दो चार इमोशनल डायलॉग अगर और मारने हो तो वो भी मार दो। देखो सतीश, तुम्हारी ड्रामेबाजी मेरे सामने नहीं चलेगी। अच्छा, तो फिर तुम ही बताओ कि तुम्हारे सामने मैं ऐसा क्या करूं। तुम सिर्फ हाँ बोलो, मैं कुछ भी करने को तैयार। सच? विश्वास नहीं है तो करके दिखाओ। नहीं नहीं, एक्चुअली एक काम है जो तुम कर सकते हो। हाँ बोलो ना। आज रात को सोने से पहले बिस्तर तुम लगाओगे? मतलब इतनी सी बात का इतना बिल्डअप? मुझे लगा कुछ रोमांटिक बात करोगे तुम। अच्छा, जैसे? जैसे हम दोनों एक दूसरे की आंखों की गहराई में डूब जाएं, ना कुछ कहें ना कुछ सुने, सिर्फ एक दूसरे में खो जाएं। सतीश प्लीज, तुम जाओ यहाँ से, क्योंकि तुम जब भी आते हो मेरा कंसंट्रेशन बिगाड़ देते हो। तुम मुझे किसी और चीज में कंसंट्रेट करने नहीं देते। क्या बात है, आज आप बहुत रोमांटिक मूड में। आज मैं बहुत खुश हूँ। प्लीज मुझे अपना काम खत्म कर लेने दो। बाय द वे, आज वैशु का फोन आया था और वो कह रही थी कि धर्मेश बहुत अपसेट है। तुम्हारा मानव को काम पर वापस रख लेने का फैसला उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। उषा, मेरे फैसले पर कौन क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूं मैं सही हूं। मैं किसी के भी कहने पे अपना फैसला बदलने वाला नहीं हूँ। लेकिन सतीश, अगर मानव की वजह से तुम दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो रही है तो फिर इसमें कौन सी समझदारी है? ऐसा तुम कह रही हो वर्षा? अगर वक्त मिले तो एक बार अपने अतीत में जाकर देखना और याद करना कि मानव ने तुम्हारे लिए क्या किया था। उसके बाद भी अगर तुम्हें लगता है कि तुम सही हो
तो मुझे लगता है कि तुम गलत हो। अब तो हद हो गई हर चीज की। जिसे देखो मेरे खिलाफ जाकर काम कर रहा है। ऐसा नहीं है धर्मेश। ऐसा नहीं है तो क्यों? क्यों सतीश ने मानव को फिर से काम पर रख लिया? सच कहता हूं वैष्णव, मैं तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को समझ नहीं पाया हूं अब तक। पता नहीं किस मिट्टी के बने। सही गलत की, अच्छे बुरे की कोई पहचान ही नहीं किसी को। बस कभी भी जज्बातों में आकर कुछ भी कर बैठे। अरे अगर खुद को अकल नहीं है तो कम से कम दूसरा समझदार इंसान जो बात बोल रहा है उस पर तो अमल कर सकते हैं। लेकिन नहीं, बस खुद की बात पर अड़े रहना जानते। अर्चना के उस थप्पड़ को मैं आज तक नहीं भूल पाया, और शायद वो कम था जो उसने मुझे जेल भिजवा कर रही सही कसर भी पूरी कर दी। मैं लाख कोशिश करूं ना वैशु, तब भी अर्चना को माफ नहीं कर पाऊंगा। हमारा रिश्ता पहले की तरह कभी नहीं हो पाएगा, या फिर हो सकता है हमारे बीच में कोई रिश्ता रहे ही नहीं। तुम्हें अपनी बहन से रिश्ता रखना है या नहीं तो तुम्हें तय करना है। मैं तुम्हें कुछ भी करने से नहीं रोकूंगा। अर्जु, कल तुझे ऑफिस कितने बजे जाना है? आई मुझे नहीं लगता कि मैं वहां वापस नौकरी कर पाऊंगी। आई उस नौकरी की वजह से वैसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। अभी वापस से कर लूंगी तो पता नहीं और क्या क्या होगा। आई वैसे भी वहां वो हालात नहीं रहे कि मैं वहां काम कर पाऊं, इसलिए मैं नहीं जाऊं। अर्जु बेटा, ये नौकरी तेरी पहचान है, तेरा आत्मसम्मान है, इसे छोड़ना तेरे हित में नहीं है। लेकिन आई देखा जो जिंदगी में मुश्किलें कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनसे डर कर हम जीना ही छोड़ दें। आई डर लगता है। डर मत बेटा, गणपति बापा का नाम ले और अपना काम शुरू कर दे, सब ठीक होगा। ठीक है, तू कहती है तो मैं नौकरी वापस से ज्वाइन कर लूं। अजीत, आपसे एक बात करनी थी। कौन? थैंक्स। थैंक्स किस लिए? अजीत, पिछले कई दिनों से दादा जेल में थे, और जिस तरह से आपने आई बाबा का ध्यान रखा, उन्हें सपोर्ट किया, और दादा को जेल से बाहर निकालने के लिए आपने कितनी कोशिश की, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको किस तरह से। मैंने कुछ खास नहीं किया, सच। एक दामाद होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं बुरे समय में उस परिवार के साथ में रहूं, उन्हें सपोर्ट करूं, और फिर उस परिवार के न जाने कितने एहसान है मुझ पर। अजीत। हाँ बंधु, उस घर के बेटे ने मेरे अंदर के इंसान को जगाया है, और उस घर की बेटी ने मेरी जिंदगी सवारी है। सच कहूं बंधु, उस परिवार के लिए मैं अपनी जान भी दे दूं तो भी कम है। अजी, आपकी जान के साथ मेरी जान जुड़ी है, भूलकर भी इसे गंवाने की बात मत कीजिएगा। बंधु, thank you.
अरे आई, अभी तक आरती नहीं करी। जब तक तेरी और श्रावणी की शादी नहीं होती, इस घर में आरती पूजा नहीं होगी। पापा ने हम सबकी जिंदगी का खेल बना के रखा है। जब जब तुम्हारी और श्रावणी की शादी की बात निकलती है, कुछ न कुछ मुश्किलें आती हैं। अभी मैंने इनको चुनौती दी है, जब तक वो तुम्हारी शादी को अंजाम नहीं देते, तब तक इस घर में पूजा नहीं होगी। ये क्या बचपना है, आज तक ऐसा हुआ है कि इस घर में पापा की पूजा नहीं हो? तो जब पूजा नहीं करनी तो मत कर, मैं करूंगा। ये मेरा आदेश है, पूजा नहीं होगी मतलब नहीं होगी। मैं तेरी हर बात मान सकता हूँ, लेकिन ये नहीं। तबीयत ठीक नहीं? अरे ऐसे थोड़ा सा बुखार जैसे लग रहा है पिता। अरे तुझे हल्का बुखार है, तो एक काम कर, अभी घर के काम रहने दो और ऑफिस भी मत जा, छुट्टी ले और आराम कर। नहीं आई, मैं फैक्ट्री जाऊंगी। आई कल तूने ही कहा था ना कितनी मुसीबतें आ जाए, लेकिन हमें आगे बढ़ना चाहिए और आज मेरा फैक्ट्री जाना बहुत जरूरी है। अरे लेकिन तबीयत के आगे कुछ भी नहीं है अच्छू। आई मैं जानती हूँ, मैं एक हाथ गोली लूंगी, मैं ठीक हो जाऊँ। आई मैं चलती हूँ, आज फिर से मैं देर हो गई। टिफिन लिया ना? हाँ ये सब ले लिया मैंने। अरे मंजू मेरा काम करोगे? हाँ पापा बोलिए ना। वो क्या है कि वैशाली की शादी के लिए मैंने किसी आदमी से पैसे लिए थे, कल से उसके फोन आ रहे हैं, उसे भी पैसों की जरूरत है। विनोद तो जल्दी ऑफिस चला गया, तो तुम जाकर उसे पैसे देकर आओगी? पापा वो नहीं, नहीं देखो पैसों की बात नहीं है, पैसे तैयार है, बैंक में पड़े हैं, बस तुम्हें वहाँ से विड्रॉ करके उस आदमी को देकर आना है। बाबा वो तो ठीक है, लेकिन आज मुझे वैसे ही बहुत देर हो गई है और आज से हमारे ऑफिस में एक ट्रेनिंग सेशन है, आज तो मुझे मुश्किल लग रहा है। मैं कल कर दूंगी ना, अभी मैं चलती हूँ। बाबा माला दे, नहीं जाते ध्यान है बाबा, और वैसे भी आपका बैंक मेरे रास्ते में ही आएगा। दीजिए। जाते पैसे निकालने आया था और एक नया अकाउंट भी खुलवाना है, तुम यहाँ? हाँ मुझे भी बाबा के अकाउंट से कुछ पैसे निकालने थे। अरे तो उस वाले काउंटर पे जाओ ना, वहाँ पे डायरेक्ट विड्रॉल भी है और लाइन भी कम है, वो वाला। नहीं लेकिन वहाँ इंक्वायरी नहीं, एक्चुअली बात ये ना कि मुझे पता करना है कि बाबा के अकाउंट में कितने पैसे हैं, तो उस हिसाब से मैं चेक में भर सकती हूँ। अच्छा मैंने पैसे निकाल लिए और एक फॉर्म भरना है, तो मैं निकालता हूँ। भाई साहब
मैं आपकी मदद कर दूं। वो ये फॉर्म इंग्लिश में है ना, तो पहले पढ़ना पड़ रहा है फिर लिख। नीम मानव देशमुख, फादर्स नेम दामोदर देशमुख। मैरिटल स्टेटस मैरिड।